हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ बढ़िया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर 16। और जो लेक्चर 16 है वो लेक्चर 15 का ही पार्ट है। क्या चल रहा था? डिफेक्ट्स। कौन सा डिफेक्ट बताए थे 15 में? तो स्टाइकोमेट्रिक। आज क्या सिखाना है? नॉन स्टाइकोमेट्रिक। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है ये डिस्कस कर चुके हैं, अब वहीं से आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर 16 विथ नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर? नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा। कहां होगा? आयनिक सॉलिड में। क्या होगा? डिफेक्ट के बाद केटायन एनायन का रेशियो सेम नहीं रहेगा। आफ्टर द डिफेक्ट रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन, रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन विल चेंज हो जाएगा। क्लियर? हां, पर एक बात है कि कंपाउंड हमेशा क्या मेंटेन करेगा? कंपाउंड ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्लियर है? अब इसके टाइप भी बता दिए थे आपको, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के जो टाइप हैं वो देखिए क्या क्या है। पहला क्या होगा? नेटल एक्सिस डिफेक्ट। दूसरा क्या होगा? मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने के दो कारण होंगे, यहीं से स्टार्ट होगा। यानी डिफेक्ट होगा तो भैया दो बातें होंगी, तो सीधी सी बात है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? शुरू से क्या पढ़ाते हैं आपको, पहले क्या बताते हैं याद करो, शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट से इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट, एटॉमिक के अंदर पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, लाइन को छोड़ा, पॉइंट में आयनिक सॉलिड डिफेक्ट, नॉन आयनिक सॉलिड डिफेक्ट, नॉन आयनिक सॉलिड को हटाया, आयनिक सॉलिड में तीन मेजर पड़ा, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, इंप्यूरिटी डिफेक्ट। इंप्यूरिटी छोटा सा पार्ट है। स्टाइकोमेट्रिक में दो बातें, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक में मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। इसके होने के भी दो कारण होंगे। पहला एक कारण होगा एक्सेस ऑफ मेटल, केटायन बढ़ जाए, मेटल कहने का मतलब केटायन, और डेफिशिएंसी ऑफ एनायन, डेफिशिएंसी ऑफ एनायन। यहां क्या हो जाएगा मेटल डेफिशिएंट में? एक्सेस ऑफ एनायन, जो कि वेरी रेयरली पॉसिबल, और दूसरा डेफिशिएंसी ऑफ केटायन। देखते हैं कैसे करेंगे सबका एक एक एग्जाम्पल करके। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? मेटल एक्सेस डिफेक्ट से। क्या है? रिकैप करा दिया आपको। चले, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में होगा क्या ये देखा जाए। क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ एनायन, ध्यान से देखिएगा, केटायन है, एनायन है, केटायन है, एनायन है, एनायन, केटायन, एनायन, केटायन,
इस तरह से चल रहा है। ये एक आयनिक सॉलिड है। अगर मान लो हमारे पास 100 के टाइम है, मान लो इसका लैटिस तैयार करते, अभी जितना है उतना से भी काम चला सकते हो, 8 मेटल 8 नॉन मेटल, हम 100 मानते हैं, गुणा भाग करने में आसानी हो जाए। तो रेशियो क्या हुआ, 1:1 एमएक्स। कंपाउंड क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। कैसे, तो 100 के टाइम है और 100 ही एनायन है, 100+1 100-1 कट के क्या हो गया, 0। ये अभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, क्लियर। क्या हो गया कि एनायन मिस हो गया लैटिस से। कैसे मिस होता है वो बताएंगे, मिस हो गया लैटिस से। तो अब आपके पास तो 100 कैटायन है और 99 एनायन है, क्या स्टाइकोमेट्रिक नंबर वही रहा क्या? ऐसे भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? तो इसका मतलब स्टाइकोमेट्रिक नंबर तो चेंज कर गया, क्लियर। स्टाइकोमेट्रिक नंबर क्या हो गया, चेंज कर गया। ये कंपाउंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है, पहले ये सीख लें। स्टाइकोमेट्रिक नंबर चेंज किया, कौन ज्यादा है, केटायन ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, एनायन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, इसलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट किया गया है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में किसकी वैकेंसी हो रही है, एनायन की, यानी वैकेंसी ऑफ एनायन। इसी को डेफिशिएंसी ऑफ एनायन भी पढ़ सकते थे, वैकेंसी ऑफ एनायन या डेफिशिएंसी ऑफ एनायन, एनायन कम गया जिसके चलते मेटल एक्सेस दिख रहा है, केटायन एक्सेस दिख रहा है। अब ये बताओ क्या ये न्यूट्रल है? देखो तो 100+1 99-1 100+-, कट के कितना आया, +1। तो आप फिगर नहीं है, न्यूट्रल कैसे होगा? तो ये ट्रैप करता है इलेक्ट्रॉन को। आप कहिए सर ये कैसे ट्रैप करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो एटमॉस्फेयर से इलेक्ट्रॉन ट्रैप किया, कैसे करता सर दिखाएंगे। ट्रैप करने से क्या हो गया, 0, क्लियर। ये ट्रैप किया, इस तरह का जब डिफेक्ट होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वैकेंसी ऑफ एनायन या मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ही एक पार्ट हुआ वैकेंसी ऑफ एनायन। अब जो देखिएगा ये जो सेंटर जहां ट्रैप हुआ है, इस सेंटर का बड़ा फेमस नाम है एफ सेंटर। क्या नाम है, एफ सेंटर। और ये एफ सेंटर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये एफ सेंटर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कलर के लिए। कैसे होगा जरा देखिए, एफ वर्ड आया था जर्मन वर्ड से, क्या था, फर बी जेंटर, जेंटर, इसका मतलब होता था कलर। ये एफ सेंटर रिस्पॉन्सिबल होगा आयनिक कंपाउंड के कलर के लिए। दिस एफ सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ आयनिक सॉलिड। आप कहिएगा सर कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा, सब समझा रहे हैं, पहले समझ तो दीजिए। कहां से था, ये जर्मन वर्ड था, जिसका मतलब क्या होता था, कलर, फॉर बी बेंजेंटर, क्लियर। अब जरा देखो ये सिमिलर क्या है, वैकेंसी, स्कॉट के डिफेक्ट जैसा ही कुछ कुछ। क्या लिख सकते हैं, इट इज सिमिलर टू स्कॉट की डिफेक्ट और वैकेंसी, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कैसे इसमें कलर आया और ये इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रैप किया, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कैसे कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ, अब उसको सीखते हैं। पहले इसको नोट कीजिए तो उसको सिखाते हैं। लिख लिए, चलिए आगे। ये बात तो समझना है अब हम लोग को कि जितना ज्यादा एफ सेंटर बनेगा और एफ सेंटर ही रिस्पॉन्सिबल होगा कलर के लिए। दिस एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर।
अब एप सेंटर कैसे रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए समझना होगा। ये पूरे पार्ट को फिर से एक बार समझे, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कैसे हुआ। आइए सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लें, क्योंकि ये सिमिलर टू स्कॉटकी डिफेक्ट है तो एग्जाम्पल भी वहीं से उठाएंगे। होता क्या है देखिएगा ध्यान से, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, अब इस क्रिस्टल में इसको हीट करते हैं, जब हीट कर रहे होते हैं तो इसके ऊपर पास कराया जाता है सोडियम वेपर, सोडियम वेपर के रूप में पास कराते हैं, इसके ऊपर पास कराते हैं, क्लियर। टेम्परेचर दे रहे हीट कर रहे हैं, हो क्या रहा है कि जो सोडियम सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, चूंकि इसके सरफेस पर है, सरफेस से ये क्लोरीन इस लैटिस से क्लोरीन एनायन को वो ट्रैप कर लेता है, तो बन क्या जा रहा है आपको सोडियम क्लोराइड। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पूरे प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर यहां से क्लोरीन निकला ट्रैप होके सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बनाया, जो वैकेंसी हुआ उस वैकेंसी में क्या आ गया इलेक्ट्रॉन, किसका इलेक्ट्रॉन सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो छोड़ा इस पूरे प्रोसेस में, क्लियर है। तब इसी सेंटर को हम लोग कहते थे एप सेंटर। अब क्या ये जो पूरा प्रोसेस में आयनाइजेशन प्रोसेस में जो एनर्जी लग रहा है यही इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, जो एनर्जी लग रहा है यानी जितना ज्यादा क्लोरीन को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा आयनाइजेशन होगा। इस आयनाइजेशन प्रोसेस में जो एनर्जी लग रहा है अगर उस एनर्जी का वेवलेंथ विजुअल रीजन में दिखेगा तो क्या दिखेगा आपको, कलर दिखेगा, सीधी सी बात है। इसलिए जब इसको हीट करते हैं तो पता चलता है कि सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, सोडियम वेपर के साथ जब हीट हो रहा है तो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें आ जाता है येलो कलर में आ जाता है, क्लियर है। और एक बात दिमाग में सेट करना है, जितना ज्यादा यहां पर एप सेंटर जनरेट होगा कलर की इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा, मोर एप सेंटर मींस हाइयर द इंटेंसिटी ऑफ कलर, मींस हाइयर द इंटेंसिटी ऑफ कलर, इंटेंसिटी ऑफ कलर जितना ज्यादा एप सेंटर होगा उतना ही ज्यादा कलर की इंटेंसिटी होगी, कोई दिक्कत। ये तो हुआ किसके लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए। उसी तरह पोटासियम क्लोराइड का सेम कहानी करेंगे, पोटासियम क्लोराइड के ऊपर पोटासियम का वेपर, लिथियम क्लोराइड के ऊपर लिथियम का वेपर, सब कुछ वही रहेगा। तो जब आप पोटासियम क्लोराइड को पोटासियम वेपर के साथ हम लोग ट्रीट करेंगे तो इसका वायलेट कलर आएगा, कैसा कलर आएगा, वायलेट कलर। इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल वही एप सेंटर है। और जब लिथियम क्लोराइड को लिथियम वेपर के साथ हीट करेंगे Li, यहां पर जो कलर आएगा वो पिंक होगा, कैसा कलर होगा, पिंक कलर का दिखता है, क्लियर। बात समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, तो एक बार नोट करें। तब अब हम सिखाएंगे एक्सेस ऑफ, ये तो क्या हो गया वैकेंसी ऑफ एनायन, अब केटायन का एक्सेस हो जाएगा तब भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, वहां पर भी कलर होता है, वो कैसे होता है पहले नोट कीजिए तो बताते हैं, समझ गए, मिटाया जाए। अगर कोई पूछेगा इस सभी केस में तो एनायन कम हो रहा है तो इसको दिखाने का तरीका क्या होगा, अभी तो केटायन एनायन का रेशियो 1:1 था, डिफेक्ट के बाद एनायन कम गया तो कितना कम गया, एक में कुछ ना कुछ घट गया, तो इसको लिखते हैं एम एक्स एक्स वन माइनस एक्स। इसका कहने का मतलब
अगर सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड में भी तो कुछ घटा होगा, पोटासियम क्लोराइड होगा तो उसमें भी तो कुछ घटा होगा, लिथियम क्लोराइड होगा तो उसमें भी तो कुछ घटा होगा, ऐसे लिख सकते हैं आफ्टर द डिफेक्ट, है ना, कुछ घटा होगा। अच्छा एक बात और देखो, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो आसानी से हो रहा है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते इसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपको एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जैसा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, खूब आसानी से तो कंडक्टिविटी नहीं आएगा, कुछ कंडक्टिविटी इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर जाएगी, है ना। अब चले मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ केटायन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ केटायन, एक्सेस ऑफ केटायन ये कैसे होता है ध्यान से देखिए। जिंक ऑक्साइड का हम लोग क्रिस्टल ले लिया, जिंक प्लस टू, जिंक प्लस टू ऑक्सीजन माइनस टू, जिंक प्लस टू ऑक्सीजन माइनस टू, इस तरह से क्रिस्टल बना सकते हैं। क्लियर है? अब जरा समझिए, अभी तो ये लिटरल है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, क्या होता है हीट करने से ये जेडन प्लस टू और ऑक्सीजन ओ माइनस टू में टूटता है। क्लियर? वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन अपना छोड़कर हाफ ओ टू, चूंकि ऑक्सीजन निसेंट ऑक्सीजन या मोलिकुलर फॉर्म में निकलेगा, हाफ ओ टू के रूप में निकल जाता है, बचा हुआ जिंक इसके इंटरस्टिशियल साइड पर जाके ट्रैप हो जाता है। क्लियर? अब इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यही बगल वाले पर दो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है जो एडजेसेंट हो। क्लियर? इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो गया। देखो जितना प्लस टू चार्ज आया उतना ही माइनस चार्ज आ गया, तो यह घटना घटता है। अब देखो पहले रेशियो क्या था, जिंक ऑक्सीजन का 1:1 जिंक ऑक्साइड था, अब तो जिंक बढ़ रहा है तो जिंक में कुछ ना कुछ क्वांटिटी जुट रहा है और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, तो जो ट्रैप किया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस कर रहा है। तो जो इंटरस्टिशियल साइड पर जो एक्सेस ऑफ केटायन आ रहा है इसी के चलते इसको कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसको क्या कहते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इस इलेक्ट्रॉन के चलते यहां पर भी कलर है, कलर पॉसिबल है, कलर पॉसिबल है, प्रेडिक्ट है, आराम से समझ सकते हैं। अच्छा ये सिमिलर टू किसके हो गए आपको ध्यान से देखो, फ्रेंकल डिफेक्ट जैसा हुआ कि नहीं, तो सिमिलर टू फ्रेंकल डिफेक्ट, और यहां पर भी कलर हो रहा है, यानी जिंक ऑक्साइड को हीट करने के बाद भी यहां भी कलर दिख रहा है और ये ऑक्सीजन रिमूव कर गया। क्लियर? आप इसको इलेक्ट के भी बना सकते थे, इसी से जिंक को निकाल देते, यहां इंटरस्टेशियल साइड पर ले जाते और ऑक्सीजन को स्केप करके भी दिखा सकते थे, तब भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता, पर यह दिखाना आसान होता इसलिए इस रूप में आपको हमने दिखाया। पहले नोट करें तो आगे की बात करते हैं। नोट कीजिए, इस केस में जिंक ऑक्साइड का जो कलर आएगा वो आएगा येलो। कैसा कलर होगा? येलो। और ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री मूव कर सकता है, इसके चलते इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस, ये भी सेमीकंडक्टर में आएगा। और कैसा हो जाएगा सेमीकंडक्टर? इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है एन टाइप, एन टाइप, एन मतलब निगेटिव, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा तो एन टाइप
जब भी कैटायन एक्सेस में होगा पॉजिटिव होल टाइप का बनेगा तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, अब आ रहे हैं हम लोग मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की ओर बढ़ेंगे। किधर बढ़ेंगे? मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। कोई दिक्कत? मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट अब ये दो कारण से होंगे। कारण फर्स्ट, वैकेंसी ऑफ कैटायन, कैटायन के वैकेंसी के चलते। क्लियर? जरा देखा जाए, पहले भी देख चुके थे किस केस में, एफयू इस पर सवाल भी देख चुके हैं पहले। अगर अभी क्या है, 100 कैटायन पर 100 एनायन है, रेशियो 1:1, फॉर्मूला एफईओ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, ठीक है। अगर कुछ एफई निकल जाए, कुछ एफई निकल जाए, मान लो ये वाला साइड फॉर्मूला बन जाए, ऐसे तो एफई का बहुत बड़ा रेंज आता है ना, साइड साइड बनने में आपको क्या बताए थे कि अगर 5 कैटायन मूव कर गया 100 के अगर ले रहे हैं तो 95 आयरन रहा और 100 ऑक्सीजन रहा, तो रेशियो 0.95/1 आ गया। यानी यहां कैटायन कम है, किसके रिस्पेक्ट में कम है? एनायन के रिस्पेक्ट में कम है, इसलिए इसको वैकेंसी ऑफ कैटायन कहते हैं। अब क्या ये न्यूट्रल है? तो आपको बताया था कि 90 Fe+2, प्लस टू भी लिख दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है? तो आप कहेगा नहीं, बताइए कितना आ रहा है, 190 -10। ये -10 को +10 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा कंपाउंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। तो कैसे कन्वर्ट होगा? तो कुछ Fe+2 वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Fe+3 में। कुछ में कितना? तो हमको 10 Fe+4 चाहिए। एक Fe+2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Fe+3 में। और इस कन्वर्शन से कितने चार्ज जनरेट हो रहे हैं? +1 चार्ज जनरेट हो रहे हैं। अब ये बताओ, तब तो हमको 10, अगर हम 100 कैटायन 100 एनायन में, तो तब तो 10 एफ ही चाहिए, तब ना +10 आएगा। कहिए बिल्कुल सही, तो 10 कन्वर्ट हो रहा है इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट इस तरह का, वो कौन से मेटल दिखाएंगे? तो कंडीशन देखिएगा, तो वह वैसे मेटल दिखाएंगे जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी दिखाने की कैपेसिटी है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट those metal which have variable oxidation state, या variable valency, oxidation state से ज्यादा अच्छा हम लोग क्या लिख दें? variable valency हो। ये कौन दिखा सकता है? तो आपके लिए सर transition metal होंगे, ट्रांजिशन मेटल होंगे। एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे? जैसे एफईओ है, एफईएस है, निकल है, जिंक नहीं दिखा सकता है। जिंक ऑक्साइड जेडन का फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, इसलिए ये नहीं दिखा सकता है। तब तो
आप कहिएगा सर ये जो कंपाउंड बन रहा है Fe 0.950, इसमें प्लस टू वाला भी है और प्लस थ्री वाला भी है। क्या बिल्कुल प्लस टू वाला भी है और प्लस थ्री वाला भी है, इस पर तो क्वेश्चन भी करा चुके हैं, फिर से कर सकते हैं। और यहां जब देखिएगा Fe में, तो Fe में लार्ज रेंज से चेंज होता है, 0.93 से लेके आपको 0.96 तक चेंजेस मिलेगा। 93 का भी एक कंपाउंड मिलेगा, 94 का भी मिलेगा, 5 का भी मिलेगा, 6 का भी मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन भी आपसे कराए हैं, पहले नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चन और दे देते हैं जो अपने से बनाना होगा कि कैसे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। याद करो ना, अभी तो थोड़ा देर पहले लास्ट क्लास में क्या बताए होंगे कि कितना कन्वर्ट हुआ, 100 में 5 तो Fe चला गया, बचा 95। 95 में 10 Fe प्लस 2 किसमें कन्वर्ट हो गया, Fe प्लस 3 में। तो क्या अनुपात बन रहा है, ये कैसे निकालते हैं, तो पहले एक बार नोट करें, फिर से बता देते हैं, है ना। लिख लिया, मिटाएं इसको। तो देखो ये बात तो तय है, ये कौन दिखाएगा, तो जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये बात तो समझ रहे हैं। आप मौखिक भी बना सकते थे इसको, बार बार हम नहीं बनाएंगे। आपको क्या दिखा, Fe 0.950, Fe प्लस 2 है, प्लस 3 वाला भी है, ऑक्सीजन भी है। अगर ये 100 है तो टोटल ये 95 है, 95 में 10 Fe प्लस आयरन किसमें कन्वर्ट हो गया, Fe प्लस 3 में, तब तो इसकी संख्या 10 है और इसकी संख्या 85 है। तो प्रत्येक एक में, यहां एक में करता तो Fe प्लस 2 वाला 0.85, Fe प्लस 3 वाला 0.10, और ये ऑक्सीजन। बार बार तो करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और बोर्ड में आएगा तो कैसे करना है एक्स मान के ये भी बता दिए हैं। तो यहां आयरन वाला ये भी निकाल के दिखा दो तुम, 96 रहता तो प्लस 2 प्लस 3 कर सकते हो कि नहीं। सल्फर वाला में भी करके दिखा दो एक बार, Fe 0.96S प्लस 2 प्लस 3 बन जाएगा, बना सकते हैं। परसेंटेज निकालना, फाइंड द परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ Fe प्लस 2 एंड प्लस 3 दोनों केस में, पहले भी कराए हैं, बार बार कराने से कोई फायदा तो है नहीं, पीछे जाके देख लीजिएगा लेक्चर, है ना। अब इसको दूसरे ढंग से समझते हैं, थोड़ा और समझाने का तरीका बदलते हैं। चला देखिए बेटा, में देखो ध्यान से, FeO से चलते हैं, चार Fe है और चार ऑक्सीजन है, मान लो बस चार चार पर लेके चलते हैं, चार Fe है और चार ऑक्सीजन है, यानी रेशियो 1:1, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FeO न्यूट्रल है। अगर मान लो, ध्यान से देखना, तीन Fe चला गया, कितना Fe चला गया, तीन Fe चला गया, और इसके जगह पर दो Fe प्लस 3 वाला आ गया। ध्यान से देखिएगा, तीन Fe चला गया, तीन Fe का चार्ज कितना होता, प्लस 6, और दो Fe प्लस 3 का भी चार्ज क्या है, प्लस 6, यानी तीन Fe को रिप्लेस कर सकते हैं ना दो Fe प्लस 3 से। तो यहां Fe प्लस 3 वाले की संख्या कितनी हो गई, आयरन की संख्या आप कितनी हो गई, तीन, ऑक्सीजन कितना हो गया, चार। अब फॉर्मूला कहते हैं कि Fe ऑफ ऑक्सीजन का क्या है, Fe3O4 हो जाता, और ये जानते हैं कि मिक्स ऑक्साइड है, इसमें दोनों तरह के मिलेंगे, देखो ना, FeO वाला भी मिलेगा और Fe2O3 वाला भी मिलेगा, ऐसे भी तो समझ सकते थे। यहां क्या हो रहा है, मेटल डेफिशिएंट, मेटल की कमी हो रही है, कोई दिक्कत डाउट कहीं पर,
नोट करें। मिटावें, अब जो देखो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा हो जाता, ये तो मेटल को क्या करके टाइम कम हो रहा है, तो एनायन ज्यादा हो जाए, तब एनायन एक्सेस हो जाए, तो ये रेयरली पॉसिबल है, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है किसके रिस्पेक्ट में, कैटायन के रिस्पेक्ट में, रेयरली पॉसिबल है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो साइज है, साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन कैटायन, फिर भी अगर ऐसा हो जाता, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस, बी माइनस ए प्लस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस, बी माइनस ए प्लस, है ना। तो क्या करते, अगर मान लो एनायन आ गया, हानि की संभावना कम है, क्यों है समझ रहे हैं। अब इस एनायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगा कौन, मेटल, यहां तो ऑक्सीडेशन स्टेट बदलना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत है। तो इस तरह के जितने भी आप देख रहे थे मेटल डेफिशन डिफेक्ट में, वहां पर भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेगा, पहले वाले केस में भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेगा। दूसरा कैसा होगा, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होगा, कोई दिक्कत। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितना भी डिजॉर्डर होगा तो इंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज करता है। तो जहां देखिएगा डिजॉर्डर है तभी तो डिफेक्ट है, तो इंट्रोपी पूछ देगा तो क्या कहेंगे, सभी जगह इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत। एक बात और जोड़िएगा इसमें, इसमें नहीं पहले वाले कॉन्सेप्ट में, एफईएस में फूल्स ऑफ गोल्ड का कॉन्सेप्ट क्यों लिखते हैं, इसको क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताना है आपको क्यों कहते हैं इसको फूल्स गोल्ड, सिंपल प्रॉपर्टीज है, खोज के बताना तो देखेंगे, क्लियर है, नोट कीजिए तब आगे की बात करते हैं। लिख लिए, आगे चले हम लोग। कंफ्यूजन कहीं पर, इंप्यूरिटी डिफेक्ट, बहुत छोटा सा डिफेक्ट है। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, इंप्यूरिटी मतलब अशुद्धि, यहां डोपिंग का कंसेप्ट आ जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से क्रिस्टल चल रहा है, इस तरह से क्रिस्टल चल रहा है। अभी मान लीजिए 100 कैटायन है और 100 एनायन है, कट के ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया, 100 प्लस और 100 माइनस, कट के क्या हो गया, जीरो हो गया, ये बात तो समझ रहे हैं। अब क्या है कि मान लो कैटायन लैटिस से रिमूव हो गया, कैटायन लैटिस से रिमूव हो गया, क्या ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है, जरा देख के बताओ तो आप कहेगा नहीं। अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए
ये क्या किया, या तो बेरियम या तो कैल्शियम या तो स्ट्रॉन्शियम को ट्रैप कर लिया। अब देखो बेरियम किससे घिरा हुआ है, क्लोरीन से घिरा हुआ है ना, किसको ट्रैप कर लिया, बेरियम को, प्लस टू आयन है, तो क्या हो गया, न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि बेरियम क्लोराइड प्रेजेंट एज ए इंप्योरिटीज इन ए क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्यों प्रेजेंट हुआ समझ रहे हैं कि सोडियम के मिसिंग से ये आयनिक क्रिस्टल क्या करा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए बेरियम को अडॉप्ट कर लिया कि नहीं। बेरियम के जगह स्ट्रॉन्शियम भी हो सकते थे, कैल्शियम भी हो सकते थे, इस तरह के कोई भी हो सकता था। अब जो कहानी कहना चाहते हैं वो समझिए कि अगर एक बेरियम का चार्ज कितना है प्लस टू और एक सोडियम का चार्ज कितना है प्लस वन, यानी एक बेरियम दो सोडियम रिमूव हो रहा है तो एक बेरियम आ रहा है, यानी एक बेरियम आने से दो सोडियम आयन रिमूव होता है और एक वैकेंसी क्रिएट होता है। क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, यानी एक बेरियम एटम के आने से दो सोडियम आयन रिमूव हो रहे हैं और एक वैकेंसी क्रिएट हो रहा है। नोट कर ली इसको, क्या हो रहा है, वन बेरियम आयन रिमूव टू सोडियम आयन एंड वन बेरियम आयन क्रिएट वन वैकेंसी। तो कभी क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि मान लीजिए 100 बेरियम आया तो कितना सोडियम गया, एक मोल 0.1 मोल बेरियम आया तो कितना मोल सोडियम को रिप्लेस किया होगा, क्वेश्चन आ सकता है ना, कितना वैकेंसी क्रिएट किया होगा। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। इसी तरह के डिफेक्ट को कहते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर, इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, इंप्योरिटी डिफेक्ट। उसी तरह सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल में कैडमियम क्लोराइड आ जाए, ये सब इंप्योरिटी डिफेक्ट के एग्जाम्पल होंगे। पहले नोट कीजिए तब इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं, है ना, नोट किया जाए, लिख लिए, मिटाया जाए, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले आसान सा क्वेश्चन है, पहले कर लिया जाए, है ना, क्या है, इफ NaCl डॉप्ड, इफ NaCl इज डॉप्ड विथ 10^-3 मोल परसेंटेज ऑफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड then what is the concentration of cation vacancy, तो क्या concentration होगा cation vacancy का। क्लियर, अब भी दिखाए हैं कि भैया strontium chloride में strontium plus 2 आयन है, ये किसके equivalent है, दो sodium आयन के equivalent है, ये भी दिखाए हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, यानी दो सोडियम एटम को हटाएंगे तो एक स्ट्रॉन्शियम आएगा, यानी एक स्ट्रॉन्शियम क्रिएट वन वैकेंसी, यानी जितना आयन होगा स्ट्रॉन्शियम का उतना ही तो वैकेंसी होगा, तो नंबर ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसी, जितना एक स्ट्रॉन्शियम कितना वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, एक, क्योंकि एक स्ट्रॉन्शियम के बराबर कितने सोडियम है, दो सोडियम बराबर एक स्ट्रॉन्शियम, एक स्ट्रॉन्शियम आ रहा है तो दो सोडियम रिमूव हो रहा है और एक वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि एक स्ट्रॉन्शियम एक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, तो नंबर ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसी। क्लियर, तो अब यहां क्या दिया हुआ है, 10^-3 मोल परसेंटेज, परसेंटेज मतलब प्रत्येक 100
100 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन या डॉट 10 टू पावर 3 मोल स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, इसलिए एक मोल में कितना होगा 10 टू पावर 3 बाय 100 मतलब 10 टू पावर 5 मोल स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। और स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को तोड़ के देखिए, स्ट्रॉन्शियम प्लस 2 टू क्लोरीन माइनस, तो अगर ये 10 टू पावर 5 मोल है तो ये भी 10 टू पावर माइनस 5 मोल होगा। तो 10 टू पावर माइनस 5 मोल में कितने स्ट्रॉन्शियम होंगे नहीं निकाल सकते क्या? आराम से उधर मिटाते हैं, नोट कर लिया होगा मोल ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयन कैसे निकालोगे? मोल करते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयन, नंबर ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयन मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर 6.022 10 टू पावर 23, तो 10 टू पावर माइनस 5 मोल 6.022 10 टू पावर 23, 6.022 10 टू पावर 20 10 टू पावर 18 ये हो गया। तो अब बताओ जितना स्ट्रॉन्शियम आयन होगा उतने ही तो वैकेंसी होगा, द नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी इज इक्वल टू 6.022 10 टू पावर 18, क्लियर है? नोट किया जाए, डाउट है कहीं पर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? ए मेटल क्रिस्टलाइज इन ए फेस सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर की ओर धीरे धीरे चलेंगे। कैसा है? एफसीसी विथ एज लेंथ कितना दिया हुआ है 0.560 नैनोमीटर, एक नैनोमीटर बराबर जानते हो 10 टू पावर 9 मीटर और 10 टू पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। यहां तक तो हम लोग सीख गए। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मेटल, यानी हमको रो निकालना है, क्लियर? इफ इट कंटेन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, 0.1% स्कॉटकी डिफेक्ट्स, एटॉमिक मास ए दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है क्रिस्टल का, मेटल का 40 ग्राम पर मोल, और डेंसिटी निकालना है। तो सबसे पहले 0.1% स्कॉटकी डिफेक्ट होने से क्या होगा? स्कॉटकी डिफेक्ट में तो एटम्स रिमूव हो जाते हैं। हमारे पास एफसीसी है तो जेड कितना है? 4 है। टोटल एटम एक यूनिट सेल में कितने हैं? यह है स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट का मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ एटम, रिमूवल ऑफ एटम, एटम रिमूव कर जाएगा, लैटिस छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो कितना परसेंट जा रहा है? 0.1%। तो पहले यह निकालना होगा रिमूवल एटम कितना है। तो टोटल एटम का कितना परसेंट? 0.1% रिमूव हो गया, 0.1/100 इतना एटम रिमूवल है। तो अब यूनिट सेल में बचा हुआ एटम कितना है? रिमेन एटम इन यूनिट सेल था कितना एटम? 4। 4 में रिमूव कितना हो गया? 4 × 0.1 डिवाइडेड बाय 100, इतना तो रिमूव हो गया, यानी ये एटम की संख्या होगी जिसे आप जेड कहते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है रो के लिए? जेड गुना ए एन ए इंटू वी, जेड तो पता चल गया यही जेड है, जो आप गुना भाग करके लाइएगा, गुना भाग करके लाइए कितना आ जाएगा 3.99 के आसपास कुछ कुछ जाएगा, है ना? एग्जैक्ट कर लीजिएगा गुना भाग। अब ये देखो ए दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल, एन ए एवोगाड्रोस नंबर जानते हैं आप 6.022 10 टू पावर 23 पर मोल। वॉल्यूम कैसे निकालोगे?
ए दिया हुआ है तो वी बराबर ए क्यू। अब देखो ए है क्या, 0.560, ये नैनोमीटर है। अगर मीटर में या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-7 कितना पावर हो जाएगा, 3। अब इन सभी का वैल्यू इसमें रखेंगे तो जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, डेंसिटी ऑफ मीटर। तो चूंकि दिखेगा नहीं इसको मिटा के लिख रहे हैं, सवाल तो खूब बढ़िया ढंग से आपने लिख लिया है, मिटाते हैं ऊपर। यानी मेटल क्रिस्टलाइजिंग एफसीसी सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए ध्यान से, अब रखोगे जब इसका वैल्यू रो, जेड कितना 3.99, ए कितना 40 ग्राम पर मोल, एनए कितना 6.022×10^23 पर मोल गुना ये वाला वैल्यू 0.50×10^-7 सेंटीमीटर होल क्यू। तो भैया गुना भाग तो अपने से, आंसर जो बुक में दिया हुआ था ये बुक का आंसर है, गुना भाग करके आप देखिएगा कि आपका आंसर मैच किया कि नहीं किया। हम यहीं पे लाके छोड़े हैं, बुक का आंसर हम लिख देते हैं 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू, ये आना चाहिए। मैच करके हमको भी बताना है कि आया कि नहीं आया, है ना, कोई दिक्कत, नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। लिख लिए, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा देखिए। थोड़ा भींगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। बाय द एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड, एक्सरे से क्या होता है कि हम लोग दो पैरेलल लेयर के बीच का एज लेंथ निकालते हैं। यानी बाय द एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड एज लेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज, एज लेंथ निकाल के बताया कितना है, जरा देखिए इज 562.6 पिकोमीटर। ये कौन निकाल के दिया, एक्सरे रिफ्लेक्शन मेथड। एंड ऑब्जर्व डेंसिटी इज, यानी डेंसिटी भी जो हमको ऑब्जर्व हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2.158 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू। आपको क्या करना है, देन फाइंड आउट फर्स्ट विच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स अकर। अगर यहां पर किसी तरह का डिफेक्ट्स हो रहा है तो किस तरह का, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स अकर्स इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, यानी प्रूव करके दिखाना है। दूसरा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन मिसिंग फ्रॉम NaCl क्रिस्टल। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन मिसिंग फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। यानी मिसिंग से तो वर्ड पता चल गया
स्कॉट की डिफेक्ट होगा, पर हमको प्रूव करना है, ऑब्जर्व डेटा से प्रूव करके बताना है कि ये स्कॉट की डिफेक्ट है। इस वर्ड से तो प्रूव हो रहा है, मिसिंग वर्ड कहां आएगा, रिमूव कहां होगा लैटिस, तो स्कॉट की डिफेक्ट में, ऑब्जेक्टिव आता तब तो टीक मार देते, कैसे प्रूव करें। चलो चला जाए, देखिए आंसर कैसे करना चाहिए। ये हम लोग को ऑब्जर्व डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 2.158 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये गिवन है। हम लोग कैलकुलेटेड डेंसिटी निकालते हैं, दोनों में अगर कोई फर्क होगा तो उससे कुछ अंदाजा मिलेगा। कैलकुलेटेड डेंसिटी निकालने के लिए यहां हमें एज लेंथ पता है, एज लेंथ देखिए क्या है, 562.6 पिकोमीटर है, और एक पिकोमीटर बराबर 10^-12 मीटर एंड 10^-10 सेंटीमीटर। ये बात तो हम लोग खूब अच्छे ढंग से जानते हैं, यहां तो कुछ करना नहीं है, क्लियर। NaCl सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल है वो कैसा होता है आप जानते हैं, सीसीपी एफसीसी क्रिस्टल होता है। इसका मतलब जैन भी तो निकाल सकते हैं सोडियम क्लोराइड का, वो कितना होगा 4, ये हम लोग जो जानते हैं, क्लियर। अच्छा एटॉमिक मास मोलर मास सोडियम क्लोराइड का तो निकालना आसान काम है, जोड़ लेंगे, सोडियम का 23 क्लोरीन का 35.5 तो 23 प्लस 35.5 यानी 58.5 ग्राम पर मोल, ये तो आसान काम है, ये भी निकल गया। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम बराबर ए क्यू, क्योंकि ये डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू दिया हुआ है, इसलिए इसको क्या करते हैं 562.6 10^10 सेंटीमीटर का होल क्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा ये भी बात क्लियर हो गया, अब हमें बचा क्या, फॉर्मूला लगाना है, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं Z इंटू ए, जेड ए तो पता है, Z कितना 4, A पता हो गया, एवोगाड्रोस नंबर तो हम लोग जानते हैं, V निकाल चुके हैं, इसको पुट करना है यहां पर, Na का वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.022 10^23 पर मोल, क्लियर। अब इसको कैलकुलेट किया जाए, डेटा रखा जाए और कैलकुलेट किया जाए, ऊपर मिटा दे, क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे आप लोग, डेटा रखा जाए कैलकुलेट कीजिए, Z 4, A का वैल्यू कितना है 58.5 ग्राम पर मोल, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 10^23 पर मोल, वॉल्यूम 562.6 10^-10 सेंटीमीटर होल क्यू, गुना भाग अपने से करना है ना, हमको आंसर याद है, कैलकुलेट किया हुआ है, तो अप्रॉक्स आपका आएगा 2.128 ग्राम, ये कैलकुलेटेड आएगा, ये कैलकुलेटेड आएगा, और ऑब्जर्व कितना है 2.158 ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी कैलकुलेटेड ज्यादा आ रहा है और जो हकीकत में है वो कम है, ऑब्जर्व क्या है 2.158 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लैटिस का तो साइज नहीं बदला तो डेंसिटी घटा क्यों, ये जो डेंसिटी चेंज हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, ये क्यों डिक्रीज हो रहा है, तब क्वेश्चन ये उठेगा कि डेंसिटी घटा क्यों, तो डेंसिटी निश्चित तौर पर इसलिए घट रहा है कुछ इससे रिमूव हो रहा है, तो जो डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है ये क्या मैसेज दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि यहां पर स्कॉट की डिफेक्ट हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज होने से क्या मैसेज आ रहा है, यहां पर कैसा डिफेक्ट हो रहा है, स्कॉट की डिफेक्ट हो रहा है, इट अंडरगोज स्कॉट की डिफेक्ट, क्लियर। ये बात तो हो गया,
ये हम लोग प्रूफ कर लिए। अब कितना परसेंट मिसिंग है ये कैसे पता चलेगा, ये भी पता चल जाएगा। पहले इसको हटाएं। अच्छा अब ये निकालते हैं, ये तो हमारा ऑब्जर्व वैल्यू है जो निकला, इसको रखकर जेड निकाल लेते हैं। ये रखते तब तो जेड कितना आता, चार। अब इसको रखेंगे तो जेड कितना होगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व डेंसिटी, ठीक है, पुटिंग ऑब्जर्व डेंसिटी। तो कैसे रखेंगे जरा देखिए, जेड बराबर हमारे पास, सॉरी, रो बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जेड इंटू ए एन ए इंटू वी। हमें निकालना क्या है, जेड पुट किया गया रो इंटू एन ए इंटू वी डिवाइडेड बाय ए, जेड निकालिए। रो क्या रखोगे, ऑब्जर्व वाला 2.158 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 × 10^23, और वॉल्यूम तो अभी निकाले ही हो, ये वाला वैल्यू यहां रख दो, ये पर मोल है 562.6, इसको मिटा देते हैं, तो लिख लिए होगे आप लोग, 10^-10 का होल क्यू सेंटीमीटर होल क्यू डिवाइडेड बाय ए, ए कितना निकाले हो 58.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू। खूब अच्छे से गुणा भाग कीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। तो आप देखिएगा कि आपको करीब करीब 3.956 के आसपास आएगा, यानी अप्रोक्स 3.96 मान लो, है ना। यानी होता क्या, जेड होना कितना चाहिए था, चार, हो कितना रहा है 3.96। इसका मतलब कितने का मिसिंग है, कितने का मिसिंग है, 0.4 का, एक यूनिट सेल में। नंबर ऑफ NaCl या फॉर्मूला यूनिट, ऐसी को फॉर्मूला यूनिट, मिसिंग फ्रॉम वन यूनिट सेल। होना तो चाहिए था क्या, चार, है कितना 3.96, तो क्या लिख सकते हैं 0.04 लिख सकते हैं ना। अच्छा परसेंटेज मिसिंग ऑफ NaCl या फॉर्मूला यूनिट, चार में इतना मिस हो रहा है, तो चार में 0.04 मिस हो रहा है, तो प्रत्येक एक में 0.04 डिवाइडेड बाय 4, तो प्रत्येक 100 में, तो कैसे निकालते, 0.04 बाय 4 इंटू 100 जो आ जाएगा गुना भाग करके अपने से, बताओ क्या आंसर होगा। क्लियर है, कैसे निकाले, ये परसेंटेज NaCl मिसिंग है, समझ रहे हैं, दोनों को जोड़ के आयंस का भी मिसिंग निकाल सकते थे और अलग अलग भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत, नोट किया जाए, कहीं डाउट है लिखिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिख लिए, मिटाया जाए, एकदम आसानी से देखते जाइए, अगला क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 4। कहीं दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। इफ अल्मुनियम प्लस 3 आयन रिप्लेस द सोडियम आयन को रिप्लेस कर रहा है, सोडियम आयन अलोंग, सोडियम आयन अलोंग द एज ऑफ सोडियम क्लोराइड लैटिस, यानी सिर्फ एज वाले सोडियम क्लोराइड लैटिस के सोडियम आयन को रिप्लेस कर रहा है ना, देन कैलकुलेट द
नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी इन सोडियम को वन मोल, इन वन मोल सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, ये क्वेश्चन है। क्लियर है? ध्यान से देखिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग इंट्यूटिव डिफेक्ट देखे थे तो ये साफ साफ दिखा था कि तीन सोडियम है, यानी तीन प्लस चार्ज है, इसके इक्विवेलेंट अकेला अल्मुनियम है। अगर अल्मुनियम यहां आया तब तो दो वैकेंसी होगा। आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। क्या ट्विस्ट किया गया देखिए, NaCl CCP लैटिस है और CCP लैटिस में आप जानते हैं कि सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वाइड पर होगा। और ऑक्टाहेड्रल वाइड कहां कहां होता है याद करो, ऑक्टाहेड्रल वाइड 12 एज के सेंटर पर था और एक क्यूब के सेंटर पर था। ये एज सेंटर पर था और ये क्यूब के सेंटर पर था, ये बात जानते हैं। तो जो क्यूब के अंदर है, जो क्यूब के अंदर सोडियम आयन है, उसको तो अल्मुनियम आयन रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो किसको रिप्लेस कर सकता है? एज पर अल्मुनियम प्लस थ्री आयन रिप्लेस द सोडियम आयन अलोंग द एज ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, यानी एज वाले को डिस्टर्ब कर रहा है, सेंटर वाले को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। पहले कैलकुलेट कर दे कितना सोडियम क्लोराइड एक लैटिस में है। वन सीसीपी लैटिस कंटेन फोर सोडियम क्लोराइड, कैसे? एज का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/4 और सेंटर पर एक है, तो 12 गुना 1/4 प्लस एक, तो टोटल चार है। जहां एज पर कितना है, तीन, यानी इसी तीन को ना रिप्लेस करेगा, एक तो रिप्लेस होगा नहीं, यानी एक अल्मुनियम तीन सोडियम को रिप्लेस कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है। वो तीनों कौन सा रिप्लेस हो रहा है, एज वाला, ये बात तो क्लियर है। अब समझिए, अब ये समझिए कि एक मोल में हम तो ये जान रहे हैं कि कितना सोडियम होगा, वन मोल NaCl कंटेन, ये बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, वन मोल सोडियम आयन एंड वन मोल क्लोराइड आयन, और वन मोल मतलब 6.022×10^23 इतना आयन है सोडियम का। तो चार में तो तीन रिप्लेस हो जा रहा है, यानी फोर सोडियम आयन थ्री सोडियम आयन रिप्लेस बाय वन अल्मुनियम प्लस थ्री आयन, चार में तीन सोडियम आयन रिप्लेस हो रहा है किससे, एक अल्मुनियम आयन से। तो अब क्या लिखे, चार में तीन रिप्लेस हो रहा है, चार सोडियम में तीन सोडियम रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो एक में कितना रिप्लेस होगा, 3/4 सोडियम, तो इतना में कितना रिप्लेस होगा, तो 6.022×10^23 सोडियम आयन में 3/4 गुना 6.022×10^23 ये आयन्स रिप्लेस हुआ। अगर क्वेश्चन ये रहता कितना सोडियम आयन रिप्लेस होता, तब तो ये निकाल देते, नंबर ऑफ सोडियम आयन रिप्लेसेस 3/4 6.022×10^23 ये तो निकला नंबर ऑफ सोडियम आयन कितना रिप्लेस हुआ। क्लियर है? अगर ये पूछता इतना रिप्लेस हुआ कितना अल्मुनियम आयन रिप्लेस किया, ये भी निकाल सकते थे। तीन सोडियम आयन को रिप्लेस करने के लिए एक अल्मुनियम चाहिए, तो एक को रिप्लेस करने के लिए 1/3, तो इतना सोडियम आयन को रिप्लेस करने के लिए निकाल सकते थे कि नहीं। पर निकालना क्या है हम लोग को, वैकेंसी निकालना क्या है, वैकेंसी। ये तो नंबर ऑफ आयन्स रिप्लेस हुआ, अगर तीन सोडियम रिप्लेस हो रहा है
तो दो वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, दिमाग में सेट करो, 3 सोडियम रिप्लेस हो रहा है तो 2 वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, तो इतना सोडियम रिप्लेस होगा तो कितना वैकेंसी क्रिएट होगा, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कर लेंगे, मिटाइन है, यानी 3 सोडियम आयन, कौन सा आयन, रिप्लेसेबल आयन क्रिएट 2 वैकेंसी, इसलिए 1 सोडियम आयन क्रिएट 2/3 वैकेंसी, इसलिए कितना हो जाएगा 3/4, 6.022 × 10^23 कितना क्रिएट करेगा, कैसे निकालेंगे, 2/3 × 3/4 6.022, यानी 3 रिप्लेस करा 2 को, तो 1 क्रिएट करा 2 वैकेंसी को, तो 1 2/3 गुना भाग करो, क्लियर है ना, आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, आराम से आएगा, कुछ है ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, नोट कीजिए, तो 1-2 क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए, लिखा जाए, नहीं दिख रहा थोड़ा नीचे करके दिखा दे, मिटाए, 1-2 क्वेश्चन आप बना ले, बाकी ये वाला तो दिए थे परसेंटेज निकालने वाला, एफई वाला 0.93 हो जाएगा, तो नहीं निकाल सकते हो क्या, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है, ये थोड़ा अलग ढंग का जरूर लेके आए आपको, 960 इसमें दे देगा +2 +3, आराम से निकाल लोगे कि नहीं, ये 2 बना लोगे, डिफेक्ट हम लोग का समाप्त हो गया, अब बचा प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, थोड़ा बहुत समझने का है, मोस्टली उसमें याद ही रखने का चीज है, यानी विधिवत समाप्त आपका सॉलिस्टेट यहां पर ही हो गया, वो छोटा सा प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट एक क्लास या ज्यादा डीप में गए तो 2 क्लास ले सकते हैं, पर एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, यानी विधिवत सॉलिस्टेट यहीं पर है, इसलिए आपको हमने सेट भेजा है क्वेश्चन का, देखे ना, जेई का कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आपको दे चुके हैं, एक बगल से बनाइए, जो डाउट है वो पूछिए, तब एडवांस कर देंगे, तब कंक्लूजन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, मिलेंगे कब, कल।